Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ आठवां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु ब्रह्म किमध्यात्मं मैं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्ते मधिदैवं किमुच्यते अभियज्ञः कथं कोत्र मधुसूदन प्राणकाले च कथं जीयोऽसि नियतात्मभि श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता।
अभिभूतं सरो भव पुरुषस्ताभिदैवतम् अभियज्ञो हविवाच देहवृथावर अन्तकाले च मामेव स्मरं लोक्त्वा कलेवरम् यत्र याति समभावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरं भावम् यदत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोज्यत मय्यर्पितमनो बुद्धिर्नामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं देव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेभ्य सर्वस्य धातारवचिन्त्यरूप स्मारेत्यवर्णं तमसत्परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन सैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य साम्यात् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन सैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य साम्यात् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं Hare Shara.
राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2023 पंत अनुसार 31 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम छोटी बातें हैं, बड़ी शुभ शुभ बातें हैं और धारण करने से परम कल्याण हो जाए। एक सीधी सीधी बातें हैं, उसके पालन में कोई कठिनता नहीं है, परंतु दृढ़ता से उसको पालन करना पड़ता है, उद्धार हो जाएगा। जैसे परमात्मा को समझेगा अपना है, अपना है और सब कुछ परमात्मा का है, प्रभु अपने हैं और सब कुछ परमात्मा, मैं भी परमात्मा का, संसारी परमात्मा का, संपूर्ण परमात्मा का है। सीधी सरल बात है, इसमें कठिन कोई बात नहीं, सिद्धांत है। सबका मालिक परमात्मा ही तो है, तो सब परमात्मा का है, परमात्मा मेरा है। कितनी बढ़िया बात है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब परमात्मा परमात्मा के हैं, मैं खुद सब परमेश्वर हूं, मैं सब परमात्मा का है। अगर ये ठीक ढंग से परमात्मा का है तो क्या होगा, मेरा नहीं है, मेरा ना शरीर है ना इंद्रिया है ना प्राण है, कोई मेरा नहीं है। कई वाली बात कही है, अगर मेरा है तो इस पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। क्या इन पर अपनी स्वतंत्रता चलती है, मन पर, इंद्रियों पर, शरीर पर, प्राणों पर अपना अधिकार चलता है क्या? मैं कहता हूं बीकानेर राजा मैं हूं, तो कहते एक मकान बनाते हैं उसकी चार दीवारी का दरवाजा ऐसे रख दे आप देश, ये तो हमारा हाथ की बात नहीं, एक दरवाजा इधर कर दो आपसे पूछ रहे राजा हूँ, तो लोग पागल है, माथा खराब हो गया। ना मन को रख सकते हैं, ना बुद्धि को रख सकते हैं, ना शरीर को रख सकते हैं, ना शरीर को बना सकते हैं, ना परिवर्तन कर सकते हैं। सुंदर बना लो, गौर बना लो, निरोग बना लो, क्या रोग की शौक है, क्यों नहीं दो? तो अपना नहीं है, चाहे तो अपना रखो, अपने वश में हो जाए, नहीं तो अपना नहीं है। अरे तीसरी बात कोई और है तो बताओ, इतनी सी बात है कल्याण करने वाली। निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति, गीता कहती है मेरा नहीं है, मैं भी परमात्मा, मैं नहीं, अहंकार मिट गया, निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति। तो कर्म योग से ये बात है, भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमि, भक्ति योग हो जाएगा। या ज्ञान योग अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचय निर्मम शांतो ब्रह्म होया गर्भवती। ये तो सबको मानना पड़े, कर्मयोग भी होगी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, मैं और मेरा नहीं है, मैं और मेरा ये जन्म मन का रास्ता है, ये जन्म मन का योग है। कबीर साहब ने कहा तो मैं मेरे की जीवड़ी गणपति और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, मैं मेरा नहीं, मैं राम जी है, मैं मेरी का त्याग, संतरण का मैं मेरी का त्याग करे तो त्याग क्या करे, ये मेरा है ही नहीं, त्याग तो मेरा हो तब उसका त्याग करे, मेरा है ही नहीं मेरा त्याग क्या करे, मेरा मानना गलती है, गलती ना करे। कितनी सुगम बात है, शांति मिल गई स्थिति, बोलो कर्म योग से शांति हो जाती है, भगवान ने भक्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है एकदम ही, जैसे मैं मेरे का त्याग करे अपना, जैसे अपना त्याग क्या करेगा, अपना है नहीं, मैं पना भी आपके हाथ में है क्या, मेरा पन भी हाथ में है, गार्ड नींद में मैं पन मेरे पन से आप अलग होते हो, आप अलग हो, मैं पन मेरा पन अलग है,
गाढ़ नींद आ जाती है तो मैं पर भी नहीं रहता, मेरा पर भी नहीं रहता और आप रहते हो, ऐसे सुख से सोया कुछ पता नहीं था, तो खुश सुख सोया आपकी सत्ता रही निरंतर, कल जगता था रात जगता हूँ नींद में सोने से सोया, तो आप तो रहते हो, आम और मम नहीं रहता है, तो आपसे आम और मम अलग है, तो आपका है ही नहीं, उसको अपना न माने, ये क्या है, कितनी सुगम बात है। कहते त्याग कठिन है तो रखना सुगम है, जिन पर ममता करते हो सही पर ममता करते हो उसे रख लोगे, त्याग तो कठिन है पर रखना असंभव है, तो असंभव से तो कठिन सुगम है, असंभव से तो ठीक, कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये रात की बात है, एकदम सुगम बात, शांति मत की स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति, शांति ऐसा ब्रह्म स्थिति की बात, नाम प्रावी ये ब्रह्म स्थिति है, निर्मम निर्वंकार है ब्रह्म स्थिति होगी, और कहाँ स्थिति होगी, हम मैं नहीं है स्थिति कहाँ होगी, ऐसा ब्रह्म स्थिति, कितनी सुगम ब्रह्म स्थिति, बहुत सुगम बात है, बहुत सरल सब कर सकते हैं, केवल अपने कल्याण की इच्छा चाहिए, इच्छा सुगम जाए, इच्छा ही नहीं तो सुगम कृष्ण करना ही आप तुम्हारी इच्छा तो करना चाहते ही नहीं, आप कृपा करो मेरा त्याग करो, कठिन नहीं है, सुखी न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख में सुखी भवामी नचिरात, देरी का काम नहीं, समुद्रता हम भवामी, ये सर्वाणी कर्माणी मई संन्यासी मत परा, कर्म मेरे अर्पण कर दिए, इंद्रिया मन बुद्धि मेरे प्राण हो गए, तेसाम समुद्र था नचिरात, भगवान को दे दो, ये भगवान दे दे कि आप है ही नहीं, भगवान के तो है ही, अपना बेईमानी बड़ा मिठा था बस, अपना मन है बेईमानी मिठा भगवान का है, अपना दिख भगवान को दे दू, अपना दिखता है तो भगवान को दे दो, कितनी सीधी कितने सरल कितनी बढ़िया बात, मुक्ति हो जा कल्याण हो जाए एकदम, अरे नहीं हो सके हे नाथ हे नाथ पुकारो, उसमें भगवान बलते थे सहायता करते हैं भगवान, आपकी नियत त्याग की चाहिए, हमारा नहीं इस ईमानदारी को हम चाहते हैं, हम बेईमानी बिठाना चाहते हैं, और परमात्मा मर जाएगी, अपने हो जो अपना करो, अपने से न हो तो पुकारो प्रभु को, सीधी बात है, कितनी बढ़िया बात है, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास को बिगड़े नहीं सुना ही नहीं, दृढ़ विश्वास, विश्वास करने वाले बड़े भक्त हो गए, महापुरुष हो गए, तत्व की जीवन मुक्त भगवत भक्त हो गए, लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाता है, मेरे को तो आश्चर्य आता है महाराज, बहुत विचित्र, हमारे नहीं लिखी हुई बढ़िया बढ़िया बातें हमारे आज हो जाती है, प्रार्थ की तो होती है, प्रार्थ के सिवाय ऐसे बंदे का केवल पोथी ही बात नहीं है, बात है ऐसी, आप कृपा कर मानो, नहीं मानो तो क्या फायदा हुआ बताओ, मानो तो फायदा बाकी रहेगा ही नहीं, मान लो पूरा फायदा हो जाएगा, जन्म पूरा सफल हो जाएगा मनुष्य जन्म, या नहीं मान सको तो पुकारो प्रभु को, अपने आपस में चर्चा करें, पुस्तकें देखो, आपस में प्रश्नोत्तर करो, इसके पीछे पड़ जाओगा और हो जाएगा, ये सफल ही होता है, विफल नहीं होता, संसार सफल विफल दोनों होता है, यार दोनों में विफलता ही मुख्य रहेगी, संसार में इसमें विफलता है ही नहीं, सफलता ही रहेगी, संसार सफल विफल, संसार विफल विफल अंत विफल, और इसमें सफलता ही सफलता, शंका बोलो इसमें शंका बोलो, संसार के तय काम को विफलता होती है अंत में,
संयोग वियोग, संयोग वियोग अंत में वियोग होगा। या परमात्मा का योग वियोग मन को तो अंत में योग ही होगा, सदाई नित्य योग है परमात्मा का अपने साथ में, कहीं कभी विफल होती नहीं। अब आपके केवल जिज्ञासा चाहिए, केवल केवल चाहना, केवल चाहना। संसार में केवल चाहना से नहीं मिलती चीज, परमात्मा केवल चाहना से मिलती, केवल चाहना। क्योंकि परमात्मा हम तो है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, तो मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है, सब कुछ भगवान का है। इतनी सी बात करके देखो आप, पहले मान लो, मानकर धीरे धीरे विचार करो, विचार करते करो शुद्ध हो जाएगी बात, जन्म मोने रंगकार शुद्ध हो जाओगे। संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मेरा कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि संसार से हमारी असली भूख नहीं मिट सकती। हमारी भूख असली है अविनाशी की, और विनाशी का जाए कैसे पूरी हो जाएगी? अविनाशी की भूख है हमारे, तो विनाशी वस्तु हो जाए कैसे दूर होगी? पकड़ो वो नष्ट हो जाएगी, पकड़ो नष्ट हो जाएगी, पकड़ो नष्ट हो जाएगी, अनेक जन्म दीर गए इसी उदयपन में। प्रभु हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये। हमारे लिए बात होती तो हमारे को मिलते ही शांति हो जाती, हमारे लिए प्रभु है, हमारे प्रभु है। मैं तो एक ही बात सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो बड़ा असर पड़ता है मेरे पर। एक बात मैंने पढ़ी कि संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं, कहते अपना नहीं है ईश्वर कैसे रहे, पराजीत कैसे रहेगी, अपना नहीं इसका नहीं चलता। पर वो अपने जो ठहरेंगे मिलकर दो चार दुख ही कि वो हमारा है, हमारी है नहीं, हमारी कैसे रहेगी? अगर हमारी है वो हमारे से कैसे जाएगी? ये दस मनी यम नहीं था परेशान, इसमें शंका नहीं। शंका हो तो आप पूछो, कोई समझ में नहीं आई हो तो बात पूछो। हमारी नहीं है, हमारी हो तो हमारा आधिपत्य चले, आधिपत्य नहीं चलता तो हमारी नहीं है। चाहे तो अपना आधिपत्य जमा लो, मन के मुताबिक कर लो इनको, और नहीं कर सो तो हमारी नहीं छोड़ दो। अगर आपकी है नहीं, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, जितना बार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे ही मिले हुए हैं, मिले हुए अपने होते ही नहीं, बिछड़ने वाला है। आप चेतन हो, ये जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है, आप पुरुष के अंश हो। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी महत्ता की बड़ी भारी बात। निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, और ध्यान हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है ये, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, मौज हो जाएगी। क्या बताऊं, लोग विश्वास नहीं करते। मैं तो कई बार कहता हूं, कभी कभी कह देता हूं ऐसी बात कि मैंने कभी किसी को धोखा दिया है क्या? तो मेरी बात मानने वालों को क्या बयान होता है? कभी विश्वासघात किया हो, कभी धोखा दिया हो, तो कैसे तुम्हारी बात कैसे माने? अरे हमारी बात है नहीं, ये बात शास्त्रों की, ये गीता जी की है, यार वो आपकी खुद की है। केवल आपकी दृष्टि इधर कराता हूँ, खुद की बात है, परमात्मा खुद के आपके हैं कि मेरे हैं, मैं दे दूं। या शरीर को मेरा मानते हो तो मैं एक बात सुनी हुई समझी हुई गीता में पढ़ी बता दे, अपना नहीं है भाई, इधम शरीरों के अंदर इधम अपना कैसे होगा? यो व्यती अहम है, ये भी अपना नहीं है। पर भूमि पोन लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, इतना अपना ये अपना है, तो आप भी तो है नहीं, अहम भी अपना नहीं है। छोड़ दो, न छोड़ दो भगवान से को, अरे अपना है ही नहीं, कहे अपना तो है ही नहीं, क्या था क्या छोड़ोगे? नहीं तो भगवान से को विचार करो, तकलीफ हो जाए दुख हो जाए छूट जाएगा, कि कैसे छूटे क्या करूँ कैसे छूट जाए। आपने सत्संग की बातें मानी है
तो उस लाभ हुआ है कि नहीं, तो फिर मानो तो क्या है, मारवाड़ की कहीं कौन आ जाए, क्या हित होता है बताओ, क्या नुकसान होता है, फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं। ऐसा निष्कंठ का पंथा यद्र सपुंजारी धावन भी मिली मैंने थे, हाँ भविष्य दौड़ो नश करे न पते न करता है न पड़ता है, ऐसा बड़ा बढ़िया रिश्ता है। आप इतनी कृपा करते हो, इतने जल्दी आते हो, नींद छोड़ते हो, घर का धंधा भी छोड़ते हो, स्टेज सत्संग आते हो, तो इतना सा और देर करो क्या वैसा करेंगे, थोड़ी सी और कृपा करो, और बहुत कृपा करी है आपने, बहुत थोड़ी और करो, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, अरे मेरे लिए नहीं है, ये मिली है, जैसे प्याऊ में जल होता है तो उसमें पिलाने लिए होता है, तो आप उसको शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सामग्री परिवार घर धन मिला है, वो केवल सेवा करने के लिए मिला है, ये बिछुड़ जाएगा, ये सेवा कर मुफ्त में कल्याण कर लो, घर का क्या खर्च होता है, घर का क्या खर्च होता है, मारवाड़ी का होता है पार की पूर्ण का खराब हुई दूसरा हुआ अब ही बना है, अपना क्या खर्च होता है, अपनी क्या हानि होती है, सीधी साधी मुक्ति, अपना नहीं है वो छोड़ने में क्या है, छोड़ना कठिन है तो अपना रखना शून्य है क्या, असंभव है, आपका बालकपना रह गया, आपका कि जवानी रह गई, तो ये नमूना है और कैसे रह जाएगा, रखना असंभव है, तो मनुष्य अपना क्यों छोड़े जो असंभव है, छोड़ो छोड़ो आप मिटे, कैसी मौज की बात है, बहुत आनंद की बात, भगवान मेरे हैं निश्चिंत हो जाए, भगवान कहते हैं सर्व पापे भी मोक्ष, सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों कर, मां से है भगवान के ही, अपने किया क्या होता नहीं, भगवान का ही है, भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान का ही ईमानदारी से स्वीकार कर, बात सच्ची है, किसी ने भी अपने जान करके अपने माँ बाप के जन्म लिया है क्या, तो किसी ने दिया है वही परमात्मा है, वो हमारा है, ये हमारे नहीं है, कितनी बढ़िया, कितनी श्रेष्ठ, कितनी उत्तम, कितनी सुगम, कितनी अकाट्य, वो जल्दी सिद्ध करने वाली, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी चली, आपसे ये अलग है, ये आपसे अलग है, वो आप भी नहीं है, ये परमात्मा आप आपका है, क्योंकि आपसे अभिन्न है, हाँ परमात्मा है आपके भीतर, वो अपना है, यदि अपना साथ नहीं वो अपना नहीं है, बिल्कुल अनुभव की बात है, सबके अनुभव का, मिली हुई चीज बिछड़ेगी भाई, वियोग सत्य है संसार का वियोग, ये मेरे को तो ये बात बनी, बड़ा आनंद आया मन में, प्रसन्नता भी कैसी बढ़िया बात है, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, तो संयोग वियोग योग समझते, संयोग का वियोग का नाम योग है, ये गीता का योग है, कितना बढ़िया योग है, यह समतम योग युद्ध संसार के संबंध से विषमता है, जहां वियोग की असमता सुते ये स्वाभाविक क्षमता, ये जता सर्व ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म ही देता, कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्साह है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, आश्चर्य आता है आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, क्या बाधा लगती है, क्या जोर आता है, क्या कठिनता है, बताओ आप बताओ,
क्या कठिन था परमात्मा नहीं सही, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, परमात्मा ही मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, सिद्धि हो जाएगी। परमात्मा मेरा मत मानो, बहुत आप साफ रह जाएगा आपका, आप मानने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को माने तभी परमात्मा रहते हैं, न माने से न रहे, ये होगा ही नहीं कि ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, केवल हमारा नहीं है। ये ज्ञान की साधना और हमारे भक्ति की साधना, और ये हमारा नहीं है कर्मयोग की साधना, सीधी सीधी बात है। हमारे ये है ना परमात्मा, कोई नहीं हमारा, सिद्ध हो जाएगी, करके देखो। नहीं हो तो क्या अर्थ है, ये आप समझो, नहीं होगा तो हानि भी हो जाएगी क्या, ऐसे मानने से कोई नुकसान है, नुकसान है क्या बताओ, नुकसान की बात मत लाओ, होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, प्रेरित मानने में क्या आ रहा है। गीता कह रही है, महात्मा लोग कह रहे हैं, पक्की बात के मेरा नहीं है, मैं भी नहीं, निर्मोल है अहंकार, आनंद ही आनंद जाएगा। सुनने से भी अच्छी लगती है नहीं बातें, तो आसन में कितनी बड़ी लगेगी, लड्डू देखते भी अच्छा लगता है, मोदक है, हर्ष करता है, तो खाने से बढ़िया होगा ही। ऐसी बात है, लोग फाटका लगाते हैं, न भाई नुकसान हो तो ही फाटका लगाते हैं, यही फाटका लगा दो उसे भगवान के फाटक लगा दे फाटका, नुकसान होगा ही नहीं, न भाई नुकसान नफा दोनों रहते हुए फाटका लगाते हैं लोग, लगाया से कैसे लगाया, दोनों में लगाते हैं, इसमें तो एक तरफ ही है, दो तरफ ही डर क्या है। नारायण 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 सुनो भाई।